नेक्स्ट टॉपिक है इमिसिविटी। इमिसिविटी को एप्सिलॉन बोलते हैं, सिंबल को थोड़ा गोल सा ई है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कुछ नहीं है, ये रेशियो है। किसकी रेशियो है? ये रेशियो है किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर की डिवाइडेड बाय, कंपैरिजन किससे किया जाएगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से डिवाइड कर दो तो रेशियो आपकी एप्सिलॉन है, इमिसिविटी है। अब दुनिया की कोई बॉडी ले आओ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को टक्कर नहीं दे पाएगी, तो इमिसिविटी उसकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कम ही निकलेगी, तो ये फ्रैक्शन लेस देन 1 है। और अगर ये 1 हो गई तो यानी कि वो बॉडी का नाम क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्योंकि अगर ये 1 हो गई तो 1 होने का मतलब स्मॉल ई और कैपिटल ई 1 एंड दी सेम थिंग, फिर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी निकलेगी। तो इसलिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी क्या ली जाती है, 1। अब इतनी कंफ्यूजन हो जाती है यहां तक पढ़ते पढ़ते कि आप अपना फॉर्मूला बुकलेट जरा ओपन करें और उसमें ये 4 लाइनें लिखें, सारी कंफ्यूजन 1 मिनट में दूर हो जाएगी। तो लिखें, पहला हमने क्या किया, हमने किया स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर, और ये क्या चीज है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। सेकंड हमने क्या किया, आर, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। फिर हमने क्या किया, टी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। ठीक, फिर हमने क्या किया, स्मॉल ई, स्मॉल ई का नाम क्या है, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए ये रूल लगेगा। ठीक, फिर हमने किया कैपिटल ई, फिर अगेन एमिसिव पावर किसके लिए, ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दैट इज एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये किया, और लास्ट हमने क्या किया, एमिसिविटी एप्सिलॉन स्मॉल ई बाय कैपिटल ई, बस ये फॉर्मूला एमिसिविटी का।